जनपद लखीमपुर खीरी के बसई चेक पोस्ट पर हालात बेकाबू है। इंडो नेपाल सीमा के बसई चेक पोस्ट पर दूसरे दिन भी विवाद बरकरार रहा। बृहस्पतिवार को एक बार फिर दोनों दिशाओं के ग्रामीण आमने सामने आ गए और सुबह से ही पत्थरबाजी होती रही। पत्थरबाजी को रोकने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कई बार आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी नहीं माने और नोमैन्स लैंड पर अपना देश का झंडा लगाकर भारत विरोधी नारे लगाते रहे। तैनात एसएसबी और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसाए, जिससे कई एसएसबी के जवान और संपूर्णानगर थाने के एसआई नीतीश कुमार घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर नेपाल में कार्य कर रहे भारतीय युवक को नेपालियों द्वारा हावड़ा से मारकर हत्या करने का मामला भी सामने आया। मृतक युवक के साथी ने बताया कि मृतक दवा लेकर भारत आ रहा था। मृतक युवक बिहार का बताया जा रहा है। घटना के बाद बॉर्डर पर स्थिति नाजुक है और दोनों देशों के अधिकारियों के बीच पता चल रही है। घटना के बाद गौरीफंटा बॉर्डर, टिकुनिया आदि क्षेत्रों में भी आवागमन पूर्ण रूप से बंद है। उधर नेपाल के धनगढ़ी में पूरा बाजार बंद रहा और प्रदर्शन चलता रहा, जिसमें भारत विरोधी नारे लगाए गए। नाम तो नहीं मालूम है सर, नाम हमको नहीं बताया। धनसोई जिला का था। धनसोई जिला काम करता है। धनसोई कहाँ पर है सर? ये हम ये जानना चाहते हैं, हमारे इंडिया के ऊपर जब कब्जा पूरी तरीके से हो जाएगा तब एक्शन। नहीं, कब्जा का क्या होगा? कब्जा हो गया सर आपके। देखिए कहाँ पे वो खड़े हैं, हमारे बॉर्डर के अंदर आके वो खड़े हैं। खड़े हैं, अभी हटाया जाएगा ना। आप लोग हटाया जाएगा सर। अभी आप लोग आगे मत जाओ, ऊपर हुआ है, पत्थर लगेगा, चोट लगेगी। आधे घंटे से मंत्रालय का दबाव है, ऐसा है।